नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.2, इसके 13 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज 14 से स्टार्ट करेंगे। आपको बताते हैं, जैसे देखिए आप मैथ में देखिए कि 14 सम है ना, जो इस समय क्या है, 3x प्लस लैम्डा आंसर में आ रहा है, ठीक है। और यहां पे x प्लस लैम्डा इस तरीके से जोड़ लो, चाहे इस तरीके से 3x प्लस लैम्डा आपका बनता है, वो कॉमन आ जाएगा। और सेम एज इसका 15 का जो सेकंड है x11 x11, यानी कि जब जोड़ेंगे तो x प्लस 2 आएगा, कॉमन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं 15 करता हूं और 14 करता हूं भी। यहां पे 14 देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे लिखता हूं मैं इसको, ऑपरेशन लगाते हैं, इस पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या लगा दिया, जैसे r1 पे लगा दिया r1 प्लस r2 प्लस r3, तो क्या आया जब आप इसको जोड़ोगे तो 3x प्लस लैम्डा, जब इसको जोड़ोगे तो इसको भी 3x प्लस लैम्डा, जब इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 3x प्लस लैम्डा, x एज इट इज, x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम r1, तो आपने 3x प्लस लैम्डा जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1xx, यहां पे बचेगा आपका 1 क्योंकि कॉमन लिया इसमें से, यहां पे भी 1 बचेगा, तो यहां आया x प्लस लैम्डा x, यहां क्या आया x प्लस लैम्डा। अभी सेम एज इट इज आपका जो पीछे हम करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन बन गया। जैसे क्या करेंगे, c1 में से c2 घटा देंगे और c3 घटा देंगे, जैसे ऑपरेशन लगा दिया C1 माइनस C2 एंड C2 पे लगा दिया C2 माइनस C3 और 3x प्लस लैम्डा आपका एज इट इज कॉमन आएगा। जब आप इसको इस पे ऑपरेशन लगाते हैं तो एक में से यह गया 0, x प्लस लैम्डा में से यह गया तो माइनस का लैम्डा, x में से x गया 0, ऐसे ही एक में से यह गया 0, x प्लस लैम्डा में से x गया लैम्डा, x प्लस लैम्डा में से x में से ये गया तो x कट जाएगा माइनस का लैम्डा। अब यहां क्या बचेगा, 1x प्लस लैम्डा। अब आपकी 2 जीरो आ रही हैं, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दो r1 को या c1 को लेके, r1 को यूज कर देना, सिंपली आसान हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 15 का सेकंड देखिए, 15 का सेकंड क्या है, बी प्लस सी, बी सी ए, सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी, 4 ए बी सी के बराबर है। ये किसके बराबर दे रखा है, 4 ए बी सी। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मेरे को जो इजी लगता है मैं वो करता हूँ। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, इस पे आप r1 पे लिख दो, देखो अगर इसको इस तरीके से जोड़ते हैं तो डबल डबल होंगे, ये r1 पे लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, B डबल हो जाएगा, C डबल हो जाएगा, यानी कि डबल B प्लस C। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, डबल A प्लस C। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, डबल A प्लस B। और यहां पे B C, C प्लस ए और C, यहां पे क्या आएगा, B A प्लस बी। अब 2 कॉमन आ रहा है आपसे, आपका ऊपर रो से R1 से, देखो कॉमन ले लिया जी, क्या बचा, B प्लस सी, बी सी, ए प्लस सी, सी प्लस ए, सी नीचे A प्लस बी, बी A प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे भी ऑपरेशन पता नहीं क्या लगा सकते हैं, बट मैं जो मेरे को लगता है इजी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया, इसमें से ये घटा दिया, जैसे एक तो ये खत्म हो जाएगा, जब इसमें से R1 घटाएं, मैं लगाता हूँ R2 में से R1 और R3 में से R1, ये 2 जीरो हो जाएंगे हमारे। जैसे देखो एक तो मैंने लगा दिया R2 पे, R2 माइनस R1 एंड एक लगा दिया R3 पे, R3 पे क्या लगाया, R3 माइनस R1, तो क्या आएगा देखना, 2 एज इट इज,
इसमें से ये जाएगा जाएगा, तो माइनस का बी, ये आपका बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी एज इट इज। अब बी में से ये जाएगा तो माइनस का सी, इसमें से ये गया तो जीरो, इसमें से ये जाएगा, बी में से बी कट गया तो माइनस का ए। अब सी में ये जाएगा तो सी में से ये जाएगा तो सी से सी कट जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा। सी में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का ए बचेगा जी। यू कैन सी, यू कैन चेक, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी से सी गए ए, ए प्लस बी से तो जीरो आ गया आपकी दो, ठीक है। अब एक जीरो और लेके आ सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे देखो, जब मैं आर वन पे ऑपरेशन लगा दूँ, क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैं आर वन पे ऑपरेशन लगा दूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या होगा, दो एज इट इज। जैसे देखिए बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो जीरो, जब इसको जोड़ोगे तो देखो ए से ए कटेगा, सी आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही ए से ए कटेगा, बी आ जाएगा। सिमिलर लिया आपका ये क्या रहेगा, माइनस का सी, माइनस का बी, जीरो, माइनस का ए, माइनस का ए और जीरो। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी तीन जीरो हो गया, आपका ये छोटा सम हो गया बिल्कुल। 15 के बाद हम करते हैं 16 देखिए 16 में क्या है, वन ए स्क्वेयर ए, ए वन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ए वन। आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही रो में रखा है, ऐसे ही कॉलम में रखा है। तो हम इसको कैसे करते हैं जरा देखिए, 16 एक ए, ए एक दे रखा है, फिर ए स्क्वेयर दे रखा है, फिर ए दे रखा है, ठीक है, फिर ए दे रखा है एक और ए स्क्वेयर, फिर क्या दे रखा है, ए स्क्वेयर ए एक। ये किसके इक्वल है, ए की तीन माइनस एक का स्क्वेयर, इसके इक्वल है। तो मैं इसको क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड यहीं पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि सेम है बिल्कुल, चाहे ऐसे ऐड कर ले चाहे ऐसे। तो जैसे मैंने आर वन पे लगा दिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा वन ए प्लस ए स्क्वेयर, सिमिलरली यहां हो जाएगा वन ए प्लस ए स्क्वेयर, यहां पे भी यही हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर आपका एज इट इज, ए आपका एज इट इज, यहां एक रहेगा, यहां ए स्क्वेयर रहेगा, यहां ए रहेगा, यहां एक रहेगा। अब आपका एक प्लस ए प्लस ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन वन प्लस ए ए स्क्वेयर, नाउ वी हैव वन वन वन, ए स्क्वेयर ए एक, ए स्क्वेयर ए एक। अब आप यहां पे क्या देखते हैं कि एक एक आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे आर सी वन पे लगा दिया, सी वन माइनस सी टू, और एक सी टू पे लगा दिया, सी टू माइनस सी थ्री, तो एक प्लस ए स्क्वेयर आपका एज इट इज रहेगा। अब जब ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे देखिए एक में से एक जाएगा जीरो, ए स्क्वेयर माइनस वन, ये आपका आएगा ए स्क्वेयर माइनस वन, इसको मैं खोल के लिखता हूं ए माइनस वन ए प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस वन ए प्लस वन। अब ऐसे ही इसमें से जब माइनस करूंगा तो क्या हुआ, ए माइनस ए स्क्वेयर, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, जब ए कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ए माइनस वन। अब एक में से एक गया तो जीरो, एक माइनस ए, और ए स्क्वेयर माइनस वन, सिमिलरली ये भी एज इट इज होगा, इसको भी लिख दूंगा ए माइनस वन ए प्लस वन। अब यहां बचा वन ए वन। अब आप चेक कर सकते हो, यहां से भी ए माइनस वन कॉमन आ रहा है, यहां से भी, ठीक है, मैंने ए माइनस वन कॉमन ले लिया, तो देखिए ए माइनस वन कॉमन यहां से और यहां से ए माइनस वन, एक प्लस ए स्क्वेयर,
जब कॉमन लेता हूं मैं तो क्या बचा मेरा, देखना जरा, जीरो बचा यहां पे क्या बचा है, ए प्लस वन, यहां पे क्या बचा ए, यहां पे जीरो, यहां पे देखो ए माइनस वन कॉमन लिया है ये, बट क्या है, एक माइनस ए है तो माइनस का एक, यहां क्या बचा ए प्लस वन, यहां क्या बचा यू का यू, क्योंकि मैंने कॉमन लिया सी वन से और सी टू से। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। पहले आपको मैं बताता हूं, जैसे देखो ये इतने इतने को लेता हूं मैं एक बार, इतने इतने को, ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया ए क्यूब माइनस वन का फार्मूला हो गया। जैसे आप नेक्स्ट में कैसे करोगे, फिर आपने नेक्स्ट में कैसे करना पड़ेगा, जैसे ए माइनस वन तो एज इट इज, एक आपका फार्मूला होता है जैसे ए की 3 माइनस वन का, क्या होता है, ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, ए की 3 माइनस वन का। तो यहां पे मेरा जो आ रहा है ए माइनस वन और एक प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, इसको यूज कर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा ए की 3 माइनस वन, और यहां पे क्या बचेगा, जीरो ए प्लस वन ए, जीरो माइनस वन ए प्लस वन, वन ए वन। अब आप इसको एक्सपेंडिंग आर वन को ना एक्सपेंड करके है ना डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आपका आएगा वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए की 3 माइनस एक आपका ये आ रहा है, एक आपका और आ जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा, फिर स्केयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जैसे आपको बताते हैं, नेक्स्ट आपका जो 17 है, 17 बिल्कुल सेम है। जैसे देखो जब आप इसको ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड कर लीजिए चाहे इस तरीके से, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x 2y 2z, ये हो जाएगा x प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड। तो कैसे करते हैं जरा देखिए, अब हम कर रहे हैं 17 सम। 17 सम कैसे होगा, क्या दे रखा है देखना, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, यहां पे क्या दे रखा है x z y, यहां पे दे रखा है y x z इक्वल टू किसके, यहां पे लिखता हूं मैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसके इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने आर वन पे ऑपरेशन लगा दिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आप देख सकते हो ऐसे ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई जेड मेरा कॉमन भी आ रहा, तो कॉमन आ जाएगा। तो देखो जब आप ऐड करते हैं तो दो वाई हो जाएंगे, दो एक्स दो जेड, तो यहां पे लिख दूंगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपके तीनों दे रखे हैं। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई, एक्स जेड। अब क्या करते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, टू बचा, यहां जेड प्लस एक्स, यहां एक्स प्लस वाई, यहां क्या बचा वन, यहां बचा जेड, यहां बचा वाई, यहां वन, यहां एक्स, यहां जेड। अब दोबारा फिर ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे क्यों, ये क्योंकि इसको एक को कर लेंगे, जैसे इसमें से घटा दिया जीरो, इसमें से घटा देंगे, जैसे देखो सी वन पे लगाया सी वन माइनस सी टू, एंड सी टू पे लगा दिया सी टू माइनस सी थ्री, तो क्या आएगा, जैसे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दो में से एक गया एक, जेड प्लस एक्स में से जेड जाएगा तो क्या बचा एक्स, एक्स प्लस वाई में से वाई गया तो एक्स, ठीक है। अब एक में से एक गया जीरो, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, और एक एक्स जेड। अब आप क्या करते हैं, एक बार फिर आप इसमें से ऑपरेशन लगा देते हैं, जैसे आप क्या करोगे, सी वन माइनस सी टू कर देंगे, क्या करेंगे, सी वन माइनस सी टू, मतलब आप सी वन पे लगा देंगे, सॉरी सी वन माइनस सी थ्री कर देंगे। ध्यान से देखना, जब सी वन माइनस सी थ्री करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज, एक में से एक गया जीरो हो गया, एक्स में से एक्स जाएगा जीरो। जैसे आपका मैं थोड़ा इसका छोटे रूप में लिखता हूं, जैसे देखना एक में से एक जाएगा जीरो, ठीक है, जीरो एज इट इज, एक एज इट इज।
अब x में से x जाएगा 0, x में से z गया तो x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एज इट इज, वाई माइनस जेड एज इट इज, और ये एक्स जेड यू का यू, और बाहर आपका क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब पता है क्या है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे इसको आर वन को यूज कर लो, सो आर वन को यूज कर लो या सी वन को, क्योंकि आपकी अब दो जीरो, ये एक तीन जीरो होगी, आसानी से आपका सम हो जाएगा।